सिंधी सांस्कृतिक सखी संगत ने मनाया संत कंवर राम का 132वां जन्मोत्सव। विभिन्न सेवा कार्यों के साथ रोगियों को किए फल वितरित। दिव्यांगों के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में बैठा मेडिकल बोर्ड। स्वास्थ्य परीक्षण व जांच के बाद जारी किए विकलांग प्रमाण पत्र। कृषि उपज मंडी समिति के 70 हमालों को मिले लाइसेंस। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना के तहत होंगे लाभान्वित। और अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर विभिन्न संगठनों ने किया दीपदान। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लगाए नारे। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंधी सांस्कृतिक सखी संगत की ओर से गुरुवार को सिंध के 17 संत कंवर राम का 132वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान संगत की ओर से विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें गायों को हरा चारा खिलाना, अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल व बिस्कुट वितरण के साथ भजन कार्यक्रम प्रमुख थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत कंवर राम मंडल ट्रस्ट उपाध्यक्ष तमाकीलाल सामतानी ने संत के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने न केवल दीन दुखियों, रोगियों व जरूरतमंदों की सहायता की, बल्कि तात्कालीन समय में बिना किसी भेदभाव के कुष्ठ रोगियों की सेवा भी की। इसी की बदौलत समाज के जागरूक युवाओं में सेवा की भावना जागृत हुई है। इस दौरान संत कंवर राम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। शुक्रवार को जन्मोत्सव के मौके पर चर्च रोड स्थित संत कंवर राम धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने संत कंवर राम के जीवन पर आधारित भजन प्रस्तुत किए। इसके पश्चात सदस्यों ने मसूदा रोड स्थित तिजारती गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाकर पुण्य अर्जित किया। जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत समाज के लोगों ने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों को फल व बिस्कुट वितरित कर उनकी कुशलक्षेम जानी। इस दौरान भारती उत्वानी, दिलीप खत्री, पुष्पा चचलानी, लक्ष्मण दास गुंडानी, तमाकीमल सामतानी, भागचंद जेसवानी, कमल चचलानी, बाबू भाई होतचंद वसंदानी सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। नगर परिषद प्रशासन ने कर्मचारियों की कमी के बावजूद शहर की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शहर में पूर्व में क्षेत्र संख्या के आधार पर तैनात सफाई जमादारों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत परिषद प्रशासन ने सफाई जमादारों को अब इलेक्शन वार्ड के आधार पर तैनात किया है। परिषद प्रशासन ने परिषद के कुल 12 सफाई जमादारों को शहर के सभी 45 वार्डों में साफ सफाई में काम की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। स्वच्छ भारत अभियान में गति लाने के लिए किए गए बदलाव में अब वार्ड संख्या 1 से 3 के लिए सफाई जमादार चेतन बोयत को, 5 से 7 में जमरी लाल, 4, 9, 13 व 14 के लिए गंगाराम चावरिया को, 10 से 12 के लिए ओम तेजी को, 8, 15, 16 व 18 के लिए संतोष घावरी, 17, 19, 20 व 21 के लिए कालूराम बारेसा को, 22 से 25 तक के लिए मुकेश डुलगच को, 26 से 28 के लिए पुखराज परिहार को, 29 से 31 तक के लिए अशोक जॉय, 32 से 33 के लिए सुनील पंडित को, 34 से 36 के लिए ओम पवार को, 37 से 41 तक के लिए लक्ष्मण तेजी को तथा 42 से 45 वार्ड के लिए रोबिन घारू को तैनात किया है। उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया ने गुरुवार सुबह राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय सहित करीब 5 विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर जिन विभागों में कर्मचारी गैर हाजिर मिले, उनके खिलाफ संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया गुरुवार सुबह टीम के साथ छावनी रोड स्थित पावर हाउस पहुंचे। यहाँ CSD प्रथम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान यहाँ कार्यरत 9 से 5 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इनमें से एक तो CL पर था, बाकी के बारे में
में कोई जवाब नहीं मिला। इसी प्रकार सीएसडी द्वितीय में 8 में से 2 कर्मचारियों के कॉलम खाली छूटे थे। इन गैर हाजिर कर्मचारियों के लिए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। इसके बाद उपखंड अधिकारी समारिया सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां 18 में से 17 कर्मचारी उपस्थित थे, जबकि एक अवकाश पर था। यहां से एसडीओ टीम सहित राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे। यहां अस्पताल प्रबंधन से विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया। इस दौरान 17 कर्मचारियों में से 14 उपस्थित थे तो शेष 3 सीएल पर थे। उपखंड अधिकारी ने कर्मचारियों पर समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। शहर के निजी विद्यालयों की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद मिशन एडमिशन शुरू हो गया। रिजल्ट प्राप्त होने के बाद अभिभावकों की दौड़ धूप भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए शुरू हो गई है। उधर शहर के निजी विद्यालय प्रबंधकों ने भी मिशन एडमिशन के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली है तथा शहर के अधिकांश विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्री क्लासेस में शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाले निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। शिक्षा के अधिकार के तहत शहर के सभी निजी विद्यालय में प्री क्लासों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। गुरुवार को शहर के कॉलेज रोड स्थित बाल मंदिर विद्यालय में प्रवेश के लिए अभिभावकों की खासी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवश्यक खानापूर्ति कर रहे थे। दिव्यांगों के लिए विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर प्रत्येक गुरुवार को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में लगने वाले मेडिकल बोर्ड के तहत गुरुवार को मेडिकल बोर्ड का आयोजन किया गया। बोर्ड में राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर मनोज सैनी तथा डॉक्टर महेंद्र चौधरी ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान शहर के 10 दिव्यांग आवेदकों ने विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए। प्राप्त आवेदनों की जांच पड़ताल तथा दिव्यांग की शारीरिक जांच के बाद विकलांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। मालूम हो कि शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में ऑर्थोपेडिक चिकित्सक का पद रिक्त होने के कारण हर गुरुवार को आयोजित होने वाले शिविर में जिले के अन्य अस्पतालों से चिकित्सकों को बुलाना पड़ रहा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Delhi Public School Byawar started a modest beginning in 2016 to provide best educational facilities. It is a place where every scholar evolves in knowledge. Sports such as skating, swimming, shooting, horse riding and other co-curricular activities like music, English spoken club, eco club and art and craft. Delhi Public School Byawar is the only school where French language is introduced from level 1st onwards. Delhi Public School Byawar is a signature of learning. We teach through modern methods, tablets and technology-based smart class to nurture self-expression in every child. Delhi Public School Byawar is a place where every learning is a step to success in life. DPS Senior Secondary School, a dream school for dreams, welcomes you for the new session 2017-18 with Hindi and English medium with own convent facility and own building. DPS Senior Secondary School, a school which provides a big platform for the overall development of your child to creating a safe and secure environment for high learning and CCTV surveillance. In kinder section, we specially focused on learning with playing concept, English conversation, proper shape formation, self-confidence building, and personality development classes. The school also organizes cultural activities like dance, drama, sports, etc. DPS Senior Secondary School provides science, arts,
and commerce subjects with specialized career counseling and extra coaching classes for the senior students. Modern and well-occupied computer and science laboratories. DPS Senior Secondary School with day boarding classes and best hostel facilities for both girls and boys. So hurry up and get ready to make your child to be the part of the best education institute in Byawar. For more details, contact DPS Senior Secondary School, Ambabadi, Vijayanagar Road, Byawar. Maharaja Group of School and College ke shiksha ke kshetra mein badhte kadam. Today a reader, tomorrow a leader. Maharaja Secondary School, Co-Education CBSE Board English Medium. Admission open PG to 10th. 12th will be upgraded in coming year from CBSE. Transport facilities, well-furnished, furnished lab, playground, sports, events, CCTV security. Free admission. Maharaja Secondary School, New Housing Board Colony, Masuda Road, Byawar. ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं को मुंह पका व खुरपका रोग से निजात दिलाने के लिए विगत दिनों चलाया गया टीकाकरण का चौथा चरण 10 अप्रैल को संपन्न हो गया। टीकाकरण के चौथे चरण में विभाग ने टीकाकरण का 64% लक्ष्य अर्जित किया। पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर विश्वास कुमार ने बताया कि 16 फरवरी से शुरू हुए पशु टीकाकरण के चौथे चरण में 53,500 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान जबाजा तथा ब्यावर क्षेत्र में पशुओं के टीकाकरण के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। डॉक्टर विश्वास ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुपात में कुल 35,500 पशुओं का टीकाकरण कर कुल 64% लक्ष्य प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि शेष रहे पशुओं के लिए विभाग की ओर से पांचवा चरण शुरू किया जाएगा। पांचवें चरण में शेष रहे पशुओं का टीकाकरण भी किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के थाला गांव में बुधवार को खेत पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय अचेत हुए 20 वर्षीय पिंटू पुत्र भंवरलाल को रात में उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान पिंटू ने देर रात में दम तोड़ दिया। गुरुवार को बदनोर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। बताया जा रहा है कि पिंटू बुधवार को अपने खेतों में सब्जी पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। इस दौरान दवा के संपर्क में आने से वह अचेत हो गया था। राज्य सरकार की ओर से कृषि मंडी में काम करने वाले पंजीकृत हम्मालों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है। उक्त योजना के तहत हम्मालों को सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कृषि उपज मंडी समितियों के अध्यक्षों व सचिवों को एक पत्र लिखकर पंजीकृत हम्मालों को इस योजना में लाभान्वित किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। कृषि उपज मंडी समिति ब्यावर के सचिव महेश शर्मा ने बताया कि अब तक ब्यावर मंडी में कुल 5 से 6 ही पंजीकृत हम्माल थे, लेकिन हमने प्रयास कर तथा हम्मालों में जागरूकता पैदा करते हुए 70 हम्मालों को लाइसेंस प्रदान किए हैं। शर्मा ने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण के एक वर्ष पश्चात हम्मालों को इसका लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें चिकित्सा सुविधा, पुत्री विवाह पर राज्य सरकार की ओर से सहायता तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति आदि शामिल है। सचिव शर्मा ने बताया कि अभी नहीं, लेकिन एक वर्ष पश्चात इन लोगों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जिन्हें अभी लाइसेंस दिए गए हैं। पूर्व में पंजीकृत हम्मालों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। शर्मा ने मंडी के शेष हम्मालों को भी शीघ्र ही लाइसेंस बनवाने का आग्रह भी किया है, ताकि योजना का लाभ दिया जा सके। एसडी कॉलेज से सटे गणपति नगर में स्थित गणेश दास शिवरतन भूतरा के भूखंड पर कॉलेज प्रशासन की ओर से दर्ज आपत्ति पर न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को तहसीलदार की मौजूदगी में कोर्ट प्रतिनिधि विजय सिंह डिम्मो का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने गणेश दास शिवरतन भूतरा के भूखंड का नापचोप किया तथा मौका नक्शा तैयार किया। गुरुवार को की गई कार्यवाही की रिपोर्ट शुक्रवार को न्यायालय में पेश की जाएगी, जिस पर न्यायालय आगामी कार्यवाही तय करेगा।
मालूम हो कि गणपति नगर में किराना व्यापारी गणेश दास शिवरतन भुतरा का एक भूखंड है। विगत दिनों एसडी कॉलेज प्रशासन उक्त भूखंड को कॉलेज की भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवाई थी। कॉलेज प्रशासन की ओर से प्राप्त आपत्ति पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने विजय सिंह को प्रतिनिधि नियुक्त कर राजस्व टीम के सहयोग से मौका मुआयना करने तथा वस्तु स्थिति से न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश जारी किए थे। इस दौरान तहसीलदार योगेश अग्रवाल, गिरदावर शैलेंद्र चौधरी, पटवारी लोकेश मीणा, नगर परिषद से एएन पदम चौधरी तथा सुरेश काठात आदि मौजूद थे। शहर में डाक बंगले के समीप निर्माणाधीन उपखंड अधिकारी कार्यालय का गुरुवार को निरीक्षण करने के बाद एसडीओ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि डाक बंगले के समीप ही सरकार ने उपखंड अधिकारी कार्यालय और एसडीएम कोर्ट निर्माण के लिए 199.76 लाख रुपए का बजट मंजूर किया था। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 20 जनवरी 2016 से मौके पर काम शुरू करवाया था। अब बिल्डिंग लगभग पूरी होने को है। इसके लिए गुरुवार दोपहर को उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया ने निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण करते हुए मौके पर उपस्थित एक्सीएन ओपी चौहान और एएन मदन सिंह से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने आमजन की सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए कुछ फेरबदल के निर्देश भी दिए। अधिकारियों की माने तो बिल्डिंग पूरी तरह तैयार होने में अब करीब एक महीना और लगेगा। इसके बाद विभाग हैंड ओवर टेकन ओवर प्रक्रिया के लिए तैयार रहेगा। राष्ट्रीय शोषित परिषद आदर्श मेघवाल मेघवंशी जागृति सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम को चंद्रा रोड स्थित भीमराव अंबेडकर सर्किल पर दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। इस दौरान बीरम राम भट्ट, भवरलाल मंडेला, ब्रजराज बोहरा, ओम प्रकाश भट्ट, विनोद जनागर, हितेंद्र कटारिया, हंसराज मंडेला, किशनलाल बोहरा, धर्मेंद्र मेघवाल, राजेंद्र मेहड़ा, राकेश कटारिया, रमेश सोलंकी, रामलाल खोरवाल, तिलोक तालेपा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। अजमेरी गेट स्थित राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में 15 से 21 अप्रैल तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री नेमीचंद कायल्या एवं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी कायल्या की पावन स्मृति में कायल्या परिवार की ओर से आयोजित कथा के दौरान बड़ौदा गुजरात वाले संत राम प्रसाद महाराज व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाएंगे। कथा शुभारंभ के मौके पर 15 अप्रैल शनिवार को प्रातः 8:15 बजे से कलश एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो बजरबट्टू मंदिर से प्रारंभ होकर रामद्वारा पहुंचेगी। कथा के प्रथम दिन भागवत महत्म में, दूसरे दिन कपिल देवभूति व ध्रुव चरित्र, तीसरे दिन प्रहलाद चरित्र व नरसिंह अवतार, चतुर्थ दिवस पर रामावतार व कृष्ण जन्मोत्सव, पंचम दिवस पर गोवर्धन पूजा व 56 भोग की झांकी, छठे दिवस पर रुक्मणी विवाह तथा अंतिम दिन सुदामा चरित्र के बारे में कथा की पूर्णाहुति होगी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सिंधी सांस्कृतिक सखी संगत ने मनाया संत कंवर राम का 132वां जन्मोत्सव। विभिन्न सेवा कार्यों के साथ रोगियों को किए फल वितरित। दिव्यांगों के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में बैठा मेडिकल बोर्ड, स्वास्थ्य परीक्षण व जांच के बाद जारी किए विकलांग प्रमाण पत्र। कृषि उपज मंडी समिति के 70 हमालों को मिले लाइसेंस, महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना के तहत होंगे लाभान्वित। और अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर विभिन्न संगठनों ने किया दीपदान, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लगाए नारे।